Hey guys, I'm Pooja Kohar, मेरे YouTube चैनल रोजगार गाइड पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि एलिम्को कानपुर यानी आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कानपुर से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अप्लाई फीस क्या है, सैलरी क्या मिलने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, एग्जामिनेशन स्कीम कैसा रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए। दोस्तों, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एलिम्को आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर सीरियल नंबर 1 में एडवर्टाइजमेंट नंबर दिख जाएगी 83F01 December 2021 की एक एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगी, जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होके आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ फाइल में वैकेंसी से संबंधित डिटेल काफ़ी लेंथी तरीके से दी गई हैं। 20 पेज की ये फाइल है, जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी रहेगी। पोस्ट है यहाँ पर जनरल मैनेजर मार्केटिंग में, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। योग्यता मांगी गई है बीटेक या एमबीए, साथ में 18 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। मैक्सिमम 55 ईयर के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एन ए रिलैक्सेशन एज पर GOR रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। यहाँ पर आपको सैलरी जो मिलेगी वो ग्रॉस फिक्स सैलरी मिलेगी, जो कि 1,80,200 पर मंथ रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर मैनेजर आईटी में, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसकी एलिजिबिलिटी है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या एमसीए, कम से कम 55% मार्क्स के साथ भी मांगा गया है। साथ ही कैंडिडेट के पास 14 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 1 है। योग्यता मांगी गई है पास्ट फाइनल एग्जाम ICA यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। साथ ही कैंडिडेट के पास 14 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर मैनेजर मेंटेनेंस मैकेनिकल में, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 1 है। योग्यता मांगी गई है बीटेक इन मैकेनिकल में या प्रोडक्शन में, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में। साथ ही कैंडिडेट के पास 14 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। तीनों पोस्ट की एज लिमिट सेम है, 50 ईयर के कैंडिडेट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOR रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। सैलरी का जो क्रॉस सैलरी 1,44,160 पर मंथ है। नेक्स्ट पोस्ट है डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग आफ्टर सेल सर्विस में, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। योग्यता मांगी गई है बीटेक इन मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में, साथ ही 10 साल का एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट डिप्टी मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 1 है। योग्यता मांगी गई है बीटेक या बीएससी या बीकॉम, उसके साथ में PGDM इन मटेरियल मैनेजमेंट में, साथ ही 10 साल का एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में डिप्टी मैनेजर के लिए मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की मटेरियल मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। डिप्टी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर की एलिजिबिलिटी सेम है, ओनली एक्सपीरियंस का अंतर है। डिप्टी मैनेजर के लिए 10 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, जबकि असिस्टेंट मैनेजर के लिए 8 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिप्टी मैनेजर दोनों की एज लिमिट सेम है, मैक्सिमम 45 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOR रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। सैलरी 1,08,120 पर मंथ है।
नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर कॉस्टिंग में, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। योग्यता मांगी गई है ICWA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट्स एंड 8 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर कॉस्टिंग की एज लिमिट सेम है, मैक्सिमम 42 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर जी ओ आर रूल्स के हिसाब से एंड सैलरी भी यहाँ पर सेम है, 90,100 पर मंथ ग्रॉस्ड है। ये ग्रॉस्ड से सैलरी भी यहाँ पर सेम है, 90,100 पर मंथ है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर CNC शॉप के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। योग्यता मांगी गई है बीटेक इन मैकेनिकल या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में, साथ ही 8 साल का एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। मैक्सिमम 42 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस रिलैक्सेशन एज पर GOR रूल्स के हिसाब से मिल सकती है, 90,100 पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है ऑफिसर की शॉप प्लानिंग एंड कंट्रोल में, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अदर पोस्ट ऑफिसर की ही है, ब्रांच अलग है, क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिकल में, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है बीटेक इन मैकेनिकल या प्रोडक्शन विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में एंड गेट स्कोर 2021 भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है ऑफिसर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 1 है। योग्यता मांगी गई है MBA इन HR या PGBM HR में या डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट में या HR में डिप्लोमा या IR में डिप्लोमा, साथ ही कैंडिडेट को नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है ऑफिसर, यहाँ भी ऑफिसर की पोस्ट है, ब्रांच अलग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट में, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। योग्यता मांगी गई है बीटेक इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, साथ ही कैंडिडेट के पास गेट का स्कोर 2021 वाला होना चाहिए। यानी कि इन चारों पोस्टों की ऑफिसर की अलग अलग ब्रांच में एज लिमिट सेम है, मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOR रूल्स के हिसाब से सैलरी भी सेम है, 54,060 पर मंथ यहाँ पर मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंटेंट की, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। योग्यता मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही कैंडिडेट के पास 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैक्सिमम 42 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOR रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। सैलरी यहाँ पर 90,100 पर मंथ है। अदर पोस्ट है शॉप असिस्टेंट की पेंट एंड सरफेस ट्रीटमेंट में, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। यहाँ पर कैंडिडेट के पास 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल में या प्लांट टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, साथ ही 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है CNC ऑपरेटर्स की, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। योग्यता मांगी गई है 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या DME में विथ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन में। अदर पोस्ट है क्वालिटी चेक असिस्टेंट की इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। योग्यता मांगी गई है 3 ईयर की डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, साथ ही 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। अदर पोस्ट है टूल एंड डाई मेकर की, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। योग्यता मांगी गई है ITI इन टूल एंड डाई मेकर ट्रेड में, साथ ही कैंडिडेट के पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस EDM वायर आउट मशीन में होना चाहिए। एंड इन चारों पोस्ट की अलग अलग ब्रांच में एज लिमिट एंड सैलरी सेम है, मैक्सिमम 32 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOR रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। सैलरी यहाँ पर 32,111 पर मंथ मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है प्रेस ऑपरेटर की, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। योग्यता मांगी गई है ITI इन शीट मेटल वर्क ट्रेड में, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस सेम ट्रेड में मांगा गया है। अदर पोस्ट है वेल्डर की, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। ITI इन वेल्डर ट्रेड में मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस सेम ट्रेड में मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है पेंटर की, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। ITI इन पेंटर ट्रेड में मांगा गया है, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। अदर पोस्ट है वॉकमैन मेंटेनेंस एंड मैकेनिकल में, नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 2 है। योग्यता मांगी गई है ITI इन मैकेनिक ट्रेड में, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस सेम ट्रेड में होना चाहिए। अदर पोस्ट है वॉकमैन मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिकल में, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ 2 है। ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में मांगा गया है, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस सेम ट्रेड में मांगा गया है।
इन पांचों पोस्ट की एज लिमिट सेम है, मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOI रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। सैलरी यहाँ पर 30,832 पर मंथ मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है स्टोर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में, साथ ही 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सेम ट्रेड में मांगा गया है। अदर पोस्ट है मशीनिस्ट की, TR में नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। ITI इन मशीनिस्ट ट्रेड में, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल DD में, यहाँ पर एलिजिबिलिटी 10th पास मांगा गया है, साथ ही ITI डिप्लोमा ITI इन ड्राफ्ट्समैन में होना चाहिए जो कि मैकेनिकल ट्रेड में होना चाहिए, साथ ही 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल DD के लिए, योग्यता मांगी गई है 10th पास एंड ITI इन ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड में, साथ ही 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सेम ट्रेड में मांगा गया है। एज लिमिट तीनों पोस्ट की सेम है, मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOI रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। सैलरी यहां पर 30,832 पर मंथ मिलने वाली है। अप्लाई फीस की बात कर लेते हैं। जनरल OBC कैंडिडेट के लिए सीरियल नंबर 1 से लेकर 13 के पोस्ट के लिए यहां पर 500 की DD बनेगी, जबकि सीरियल नंबर 14 से 26 तक 250 की DD बनेगी। SC/ST के लिए कोई भी फीस नहीं है। DD जो बनेगी इन द फेवर ऑफ ALIMCULM को कानपुर के फेवर में बनेगी। अप्लाई मोड यहां पर ऑफलाइन है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 18 जनवरी 2022 है, अभी अच्छा खासा टाइम है इसमें। सिलेक्शन यहां पर इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन लिया जाएगा। कुछ वैकेंसी की यहां पर रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है, वो डिपेंड करता है। अभी ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको PDF फाइल पर विजिट करना होगा। काफ़ी नीचे स्क्रॉल करने पर पेज नंबर 18 पर आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिख जाएगा। इस फॉर्मेट में इसका प्रिंटआउट लेकर के सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगाकर इस फॉर्म को फिल करके उसे सेल्फ अटेस्टेड करके निम्न एड्रेस पर सेंड करना है। एड्रेस है मैनेजर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ALIMCULM को, नारा मऊ GT रोड कानपुर 209217 पे इसे सेंड करना है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक।